हमारी कांग्रेस में ऐसा नहीं दिख रहा आपको, आज भी दोनों एक मंच पे दिख रहे हैं, ऐसा कोई विवाद नहीं मैं है। तो कह रहा हूं। और आपकी वसुंधरा जी को आपने बिल्कुल दरकिनार कर रखा है, जो पहली लिस्ट में उनका टिकट फाइनल होना था उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ है। हमारे आने दीजिए पहली लिस्ट, कैसे हमारे दोनों नेता नहीं आएंगे, ये आपकी गलत फहमी है कि हमारे विवाद है, ऐसा कुछ नहीं है। ईआरसीपी जो देगा वो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि राजस्थान जो ईआरसीपी पे रैली हो रही है इस पे यकीन नहीं है क्या? अभी नहीं, ये अभी यकीन नहीं है। जिस दिन ईआरसीपी की मोहर लग जाएगी उस दिन ये राजस्थान में ईआरसीपी की जो मांग पूरी होती है। जादूगर का जादू चलेगा दोबारा, वो जादूगर है जादू का, मुख्यमंत्री गहलोत साहब होगा। सचिन पायलट। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। दौसा में है आज प्रियंका गांधी जी की रैली हुई, बड़ी संख्या में यहां लोग बाग आए, बहुत ही भीड़ है, लबालब भीड़ है। ये आज से चुनावी प्रचार की, ये मान लीजिए आज शुरुआत यहां से प्रियंका जी ने की है, और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका जी? मेरा नाम शशि गुप्ता है और मैं पैतृक गाँव मेरा सिकराई है जी। आप ही के यहाँ पे, ये मान लीजिए आपका होम ग्राउंड है, यहाँ पे ये हुई आज रैली, कैसे देखते हैं? भीड़ को लेकर के संतुष्ट हैं सरकार के कामकाज को लेकर? हाँ, अच्छे तादाद में लोग आए हैं यहाँ और आएंगे, क्योंकि ज़मीनी जुड़ाव हुआ है इस बार। जो सरकार ने जो काम किया है 5 साल, उसका नतीजा होगा कि इस बार वापस से कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन दूसरों पर यहाँ प्रियंका कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट कर रही थी, कहीं 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 करोड़ का भानवती ने कुनबा जोड़ा, लेकिन कुनबे में तो आपकी भी फूट थी पिछले 5 साल, सभी ने देखा, देश ने देखा क्या हुआ। नहीं, मोदी जी ने जो वादे किए थे जिनको पूरा नहीं किया गया था, नहर परियोजना के लिए जो वादे किए गए थे जिनको पूरा नहीं किया गया था, उसके बारे में बोला गया था। और ये सभी जानते हैं कि मोदी जी पूंजीपतियों का साथ देते हैं, पूंजीपति उनके दोस्त हैं, जो क्लैरिटी है उसी को उन्होंने सबके सामने रखा है। तो जो पिछली बार हुआ, लगता है कि इस बार अगर आपकी सरकार मान मिले, आप रिवाज बदलने चले हो, इस बार कह रहे कि रिवाज बदल, जो जो 5 साल में चली जाती है सरकार, इस बार कुछ अलग करो, रिवाज बदल दो ये, लेकिन अगर रिवाज बदला भी गया तो आपको नहीं लगता पिछली तरह की जो पिछली बार हुआ 18 में फिर से वही होगा? एक तरफ पायलट खेमा कहेगा मुझे सीएम बनाओ, गहलोत जी कहेंगे मुझे बनाओ। आपने देखा नहीं, अभी एक मंच पर हमारे सारे नेता थे, चुनाव से पहले है ना, चुनाव के बाद समीकरण और होंगी, लेकिन फिर भी आपको जहां भी आप देखेंगे हमारे सारे नेता एक है, और ये सारा डिसीजन आला कमान लेते हैं। दूसरों पर तंज कस रहे हैं, कहीं 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 करोड़ा भानवती ने कुनबा जोड़ा, क्या आपका कुनबा एक है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी सदा से एक रही है और हमेशा एक रहेगी। आपको कहीं डाउट है कांग्रेस पार्टी एक नहीं है? डाउट है बीजेपी में, देखिए अलग अलग सिर हो रहे हैं, वो ओनली फूल को अपना सिंबल बना रहे हैं कि यही चुनाव लड़ेगा। फूल चुनाव नहीं लड़ता है, एक चेहरा चुनाव लड़ता है। चेहरा तो इस बार आपके पास भी नहीं, आप भी कह रहे हैं कि कमल वो हाथ का पंजा है। ऐसा है सर, कांग्रेस में हमारे पास एकजुटता है, ये आप लोगों की भावना है कि हमारी कांग्रेस में मतभेद है, मनभेद हो सकते हैं, कभी सभी में ही होते हैं। भावना नहीं है यार, देश ने देखा है, जब होटलों में विधायक कैद थे, एक खेमा इधर होटल बुक किए था, एक खेमा इधर, पूरे देश ने देखा जो महीनों भर चला, ये कोई बहम नहीं है, ये सच है जो सब ने देखा, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप रिवाज बदलने की बात करें, मान भी लिया जाए सरकार आ गई आपकी इस बार, तो क्या आपको कितनी गारंटी है कि पिछली बार की तरह जो पिछली बार हुआ इस बार नहीं होगा? ऐसा है सर, जो आप बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी में इस तरह की कोई बात नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। और दूसरी बात, बीजेपी में तो आप सामने सामने देख रहे हो कि वसुंधरा जी जो मुख्यमंत्री रही हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारे दोनों नेता सम्मानित मंच पर बैठे थे और हमारी कांग्रेस उनको पूरा पूरा सम्मान दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वसुंधरा को अभी पद से नहीं हटाया गया है, अभी उनकी लिस्ट भी जारी नहीं हुई। आपकी पार्टी ने तो उप मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री से हटाया, प्रदेश अध्यक्ष से हटाया, तो ये हर जगह है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगी, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी के हितेशी हैं, आप कह सकते हो, सुनिए, कह सकते हो, बातों से लग रहा है, कह सकते हो, जो सवाल कर लेते हैं। कांग्रेस में, हमारी कांग्रेस में ऐसा नहीं दिख रहा आपको, आज भी दोनों एक मंच पे दिख रहे हैं, ऐसा कोई विवाद नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, और आपकी वसुंधरा जी को आपने बिल्कुल दरकिनार कर रखा है, जो पहली लिस्ट में उनका टिकट फाइनल होना था उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ है। हमारे आने दीजिए पहली लिस्ट, कैसे हमारे दोनों नेता नहीं आएंगे,
ये आपकी गलतफहमी है कि हमारी विवाद है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास फिलहाल चेहरा है क्या, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? देखिए वो सभी से बात करूंगा, सभी से करूंगा। एक बात ऐसा ऐसा हमारी कांग्रेस सरकार ने जनता के आम जन के काम किए हैं और जनता उसको समर्थन देगी। मैडम मेरा छोटा सा सवाल है, इस बार सीएम फेस कोई है कि नहीं? सीएम फेस बिल्कुल है। कौन? और हमारे आला कमान सब तय कर रखा है। कौन है वो दिख रहा है आपको? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्यों? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जब भी सवाल जवाब होता है ये कहता है हाई कमान तय करेगा चुनाव जीतने के बाद। मुझे बताइए बीजेपी में कौन है? मुझे बताइए बीजेपी में कौन है? बीजेपी में कोई नहीं है। हमारा तो स्पष्ट है, मंच पे बैठे हैं दोनों। नहीं दोनों है ना? नहीं अरे पायलट साहब है चेहरा, पायलट जिंदाबाद, पायलट साहब सीएम का चेहरा जिंदाबाद है। हमने सचिन पायलट जी, सचिन पायलट जिंदाबाद, पायलट साहब चेहरा क्लियर हो चुके हैं राजस्थान। पिछली बार भी थे? नहीं आपके क्लियर हो चुका है, पिछली बार भी थे। हाई कमान से क्लियर हो चुका है साहब, हाई कमान से क्लियर हो चुका है। पायलट जो भीड़ आई है उसमें से 80% सचिन पायलट के लिए आई है, सचिन पायलट को देखने आई है। और हेलो होना चाहिए, धोखा हुआ था पिछली बार, धोखा हुआ मेहनत उन्होंने की। और अब भी अगर पुराने विधायकों के टिकट कट के नई पीढ़ी को टिकट मिलेगी हुआ था तो सरकार आएगी, निश्चित नहीं होगा। पायलट साहब को नियंत्रण बनेगी सरकार, पायलट साहब ही सीएम बनेंगे। पायलट साहब, गहलोत साहब ने कल पीसी की दिल्ली में, आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा देश का पहला मुख्यमंत्री मैं हूं जो कहता हूं कि मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ता और छोड़ने वाला भी नहीं है। यानी आगे की जो रहा है वो भी क्लियर कर दिया उन्होंने कि मैं ही कैंडिडेट हूं। अरे अपनी लालच को त्यागता है क्या पायलट साहब? तो हाई कमान करेगा जो कुछ करेगा, बोल देंगे राहुल जी ने क्लियर टिकट अगर पायलट बदले गए, सही चेहरों को दिए गए, नए चेहरों को दिए गए, 100% कांग्रेस आएगी, अन्यथा वो पुराने ही रखे तो 100% कांग्रेस आ रहेगी। अगर टिकट नहीं बदले गई, हाँ नहीं बदलेगा बिल्कुल सही। अगर गहलोत जी को सीएम पद का चेहरा हमारे तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी, नहीं आएगी। और पायलट साहब को करेंगे तो कम से कम पूरी 90% सीट आएंगी, बिल्कुल निश्चित। कहाँ से आप भाई साहब? मैं महुआ विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ, जिला उपाध्यक्ष दौसा। चलिए बताइए क्या होगा अब की बार, रिपीट होगी सरकार? और मैं विधानसभा क्षेत्र महुआ के बारे में ही बात बताना चाहता हूँ, तो प्रदेश के बारे में पूछ रहा हूँ, परंपरा टूटेगी कि नहीं टूटेगी? प्रदेश लेवल पे कांग्रेस सरकार बनेगी और हमारे जो मंचाधीश पायलट साहब हैं, गहलोत जी हैं, वो अपने विचार अपने समर्थन से जो बनाएंगे उसके साथ जनता रहेगी। जनता में कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है दोनों के नाम पर। साहब जनता किसी नहीं, पार्टी का कोई विरोध नहीं है, पायलट टिकाते नहीं क्लियर, सचिन कैंडिडेट का विरोध, जनता ने कैंडिडेट बढ़िया आने चाहिए, पहले नया चेहरा नए चेहरे। पहले भी साहब सचिन पायलट पे विश्वास किया था जनता ने और अब भी सचिन पायलट विश्वास कर रही है और उसी के लिए वोट देगी और उसी के नाम पे वोट मिलेगा, वोट नहीं देंगे, एक वोट नहीं देंगे। मैं ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता भरत मीणा अगावली, जो कि विधानसभा क्षेत्र सिकराई से बिलोंग करता हूं, और मैंने 13 जिलों में हमारे ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा के जो 13 जिलों की जनता है उसके साथ में हमने धरातल पे काम किया है। आज ये विधानसभा क्षेत्र की जो ईआरसीपी की सफल रैली हुई है इसके पीछे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा का हाथ है, क्योंकि उन्होंने गाँव गाँव ढाणी ढाणी जा करके और जन जागरूकता की थी। उस जन जागरूकता के लिए ये पब्लिक ईआरसीपी चंबल नहर का पानी चाहती है और जो हमारे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को किसानों को जो पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो जो भी इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवा के और 13 जिलों को चंबल नहर का पानी देगा वही इस राजस्थान का मुख्यमंत्री का हकदार होगा। अभी तय नहीं है, अभी तय नहीं है, तय नहीं है। यह ईआरसीपी जो देगा वो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि राजस्थान जो ईआरसीपी पे रैली हो रही है इस पे यकीन नहीं है क्या? अभी नहीं है, अभी यकीन नहीं है। जिस दिन ईआरसीपी की मोहर लग जाएगी उस दिन यह राजस्थान में ईआरसीपी की जो मांग पूरी होती है वो पार्टी क्लियर कर देगी कि हमारा ईआरसीपी में किसने किसानों की जो आवाज लड़ी है और किसने किसानों की लड़ाई लड़ी है। क्योंकि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के जितने भी नेता और मंत्री जाते हैं वो राजस्थान की सरकार को बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ईआरसीपी के जो 13 जिले हैं उनमें कांग्रेस का रवैया है, कांग्रेस ईआरसीपी को लेकर सक्रिय है, एक्टिव है। अगर इसने धरातल पे काम किया तो कांग्रेस भी रिपीट होने में कोई संदेह नहीं है। चलिए आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, सीएम किसे देखना चाह रहे हैं एक एक करके? सचिन पायलट, 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 सचिन
जादूगर का जादू चलेगा दोबारा, वो जादूगर है जादूगर मुख्यमंत्री गहलोत साहब होगा। सचिन पायलट, 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 सचिन पायलट। तो ये तमाम लोगों के अपने अपने समर्थक है, कोई सचिन पायलट को सीएम के लिए बोल रहे हैं तो कोई गहलोत को, तो आप और ये कहीं ना कहीं चंबल को जो पानी देगा वही इस पे प्रदेश पे राज करेगा, ये भी बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, लेकिन इसको मुकम्मल कौन करता है ये तो आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी अंकित के साथ मैं कुलदीप सिंह दौसा से, धन्यवाद।